वालेकुम डियर फ्रेंड्स हम आपको वेलकम करते हैं अपने पाकिस्तान स्टडीज़ लेक्चर सीरीज़ में आज हम 100 से आगे डिस्कस करेंगे अगर आपने बाकी हंड्रेड एम सी क्यूज़ वॉच नहीं कर लिया है तो वो लाजमी वॉच करके देख ले ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और ये जो सीरीज़ है ये हम लोग एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर से पढ़ रहे हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो आपको बसानी मिल सके तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की लेक्चर वन हंड्रेड क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी पीक्स इन द पाकिस्तान आर हायर देन एट मीटर्स कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कितने चोटियां हैं जिनकी लंबाई आठ हज़ार मीटर से ज़्यादा है दोस्तों द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी फाइफ नेक्स्ट है फेमस शकर पेरियन पार्क इज़ लोकेटेड इन शकरपेरियन पार्क कहाँ पर वाक़ है द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी इस्लामाबाद नेक्स्ट है फाटा कम्प्राइज़ ऑफ फाटा की कितनी एजेंसियाँ हैं तो दोस्तों फाटा में सात एजेंसियाँ हैं द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी सेवन नेक्स्ट है मंगला डैम इज़ लोकेटेड इन मंगला डैम कहाँ पर वाक़ है तो दोस्तों मंगला डैम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी ए जे के नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ़ गिलगित बल्दिस्तान इज़ गिलगित बल्स्तान का कैपिटल क्या है द करेक्ट ऑप्शन इज डी नेक्स्ट वाज़ द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान आर्मी का पहला कमांडर इन चीफ कौन था द करेक्ट ऑप्शन इज डी जनरल फ्रेंक मेजरवी नेक्स्ट है नेम द क्रिकेट स्टेडियम विच इज़ लोकेटेड इन खैबर एजेंसी एंड इनागोरेटेड बाई जनरल रायल शरीफ इन नवम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन टू थाउजेंड सिक्सटीन में जनरल जनरल शरीफ ने एक स्टेडियम uh, कायम किया वो कौन सी स्टेडियम है द करेक्ट ऑप्शन इज़ पी शाहिद अफरीदी क्रिकेट स्टेडियम नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर इन सिंध हिस्ट्री इज़ सिंध की हिस्ट्री में सबसे कम गवर्नर कौन रहा है द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी जस्टिस रिटायर्ड सईद उजमान सिद्दीकी नेक्स्ट है बेनज़ीर भुट्टो वाज बॉर्न ऑन बेनज़ीर भुट्टो किस तारीख़ और किस दिन पैदा हो गया द करेक्ट ऑप्शन इज ए ट्वेंटी फर्स्ट जून नाइनटीन फिफ्टी थ्री इक्कीस जून उन्नीस सौ तिरपन को नेक्स्ट है नेक्स्ट है वन द कंस्ट्यूट असम्बली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कंस्ट्यूट असम्बली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पास द करेक्ट ऑप्शन इज बी 12 मार्च 1949, 12 मार्च उन्नीस को नेक्स्ट है हु एवरोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन को किसने एवरोगेट किया द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी सिकंदर मिर्जा नेक्स्ट है इन विच कंस्ट कंस्टिट्यूशन बाई कैमरल लेजस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम कौन सी कंस्टिट्यूशन में आयन साज़ी में पहली मरतब बाय कैमरल लेजस्लेटिव नाफिज किया द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी नाइनटीन सेवेंटी थ्री उन्नीस सौ तिहत्तर के कंस्टिट्यूशन में नेक्स्ट है पाकिस्तान नेशनल फ्लेग व्रीपेयर्ड बाय पाकिस्तान की झंडे को किस ने बनाया द करेक्ट ऑप्शन दीन खदवाई नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड ऑन गवर्नमेंट इंडिया एक्ट अठारह को किस दिन पास किया द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए सेकेंड अगस्त 1858 2 अगस्त अठारह अठावन को नेक्स्ट है वो आज द वाइस राय ऑफ़ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ़ बंगाल पार्टीशन ऑफ़ बंगाल के वक्त इंडिया का वाइस राय कौन था द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए लॉर्ड खर्जन नेक्स्ट है द कैपिटल सिटी ऑफ़ गिलगित बल्दिस्तान इज़ गिलगित बल्दिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी गिलगित नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ हाउसेस ऑफ़ पाकिस्तान मजलिस शुरा पार्लियामेंट इज़ पाकिस्तान की मजलिस शुरा या पार्लियामेंट की कितनी हाउसेस है द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी टू नेक्स्ट है अब्दुलरहमान चौथाई वॉज विद द आर्ट चौथाई का प्रोफेशन क्या था द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी पेंटिंग नेक्स्ट है नेम द लैंग्वेज इन विच द ओली कुरान वाज ट्रांसलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंडिया में पहली मरतब वो कौन सी जबान है जिसमें कुरान मजीद ट्रांसलेट हुआ तर्जुमा हुआ द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी परजियन नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज ओ आई सी फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ये इदारे ये आर्गेनाइजेशन किस साल बना द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी नाइनटीन सिक्सटी नाइन तो दोस्तों ये था हमारे आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन अल्लाह हाफिज़